हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं AI एयरफोर्स सर्विस लिमिटेड की न्यू अपडेट्स के बारे में, न्यू रिक्वायरमेंट, न्यू भर्ती के बारे में, जो कि फ्रेंड्स AI ने आपको यहां पर एयरपोर्ट के पदों पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आपको इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी वैकेंसी की अपडेट्स आपको सही समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट में आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो एग्जीक्यूटिव के जो पदों पर वैकेंसी हैं, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि AI की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें आपको मुंबई एयरपोर्ट में यदि जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले पोस्ट है आपको यहाँ पर टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, डिप्यूटी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, डिप्यूटी मैनेजर की है, डिप्यूटी ड्यूटी ऑफिसर की है, पैसेंजर जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस की है, और रैंप मैनेजर, डिप्यूटी रैंप मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर रैंप, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की है, टर्मिनल मैनेजर कार्गो की है, ड्राई टर्मिनल मैनेजर कार्गो है, ड्यूटी मैनेजर कार्गो, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो और जूनियर ऑफिसर कार्गो की पोस्ट है। और इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पोस्ट है जो कि आपको यहां पर दी गई है, पैरामेडिकल क्यूम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की है, हैंड यहाँ पर जो है हैंडीमैन मेल की है, उसके बाद यूटिलिटी एजेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिली, इसमें आपको ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल जाती हैं, और रैंप में सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी 406 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं, इसमें आपको यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रैंप ये दो पोस्ट है, इनका इंटरव्यू आपको यहाँ पर 7 जुलाई से लेकर आपको यहाँ पर 15 जुलाई 2024 के बीच में होने वाला है। ठीक है, और ये दो पोस्ट है इनका जो है इंटरव्यू 16 जुलाई से लेकर 16 जुलाई को आपको यहाँ पर जो है टाइमिंग दिया गया है, इस टाइम पर आपको यहाँ पर होने वाला है। और बाकी की ये जो पोस्ट बची हैं, इसका इंटरव्यू आपको यहाँ पर 12 जुलाई से लेकर आपको यहाँ पर 13 जुलाई के बीच में 9:30 से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर होने वाला है, जो कि सभी का टाइमिंग सेम दिया गया है, डेट अलग दी गई है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो आपको यहाँ पर दोनों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पैकेज जो वैकेंसी 3 साल तक आपको यहाँ पर जो है भर्ती रहने वाली है, 3 साल के बाद इसको यहाँ पर जो वैकेंसी को इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर पहली पोस्ट है टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की, जिसमें आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास किया गया है और यहाँ पर जो है 20 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर MBA किया है 2 ईयर्स का, ठीक है, या फिर 3 ईयर्स का 17 साल के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी 75,000 रुपये दी जाएगी और यहाँ पर अपर एज आपको यहाँ पर 55 साल तक होनी चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसका काम दिया गया है, किस तरह का काम आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट है ड्राई टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की, जिसमें ग्रेजुएशन पास 18 ईयर्स के इसमें मांगी गई है, बाकी की क्वालिफिकेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, 60,000 रुपये सैलरी है, 55 साल आपका जो है एज रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की, इसमें भी ग्रेजुएशन पास 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इसके बाद ये भी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, 45,000 सैलरी है और आपकी जो एज है सेम दी गई है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट है डिप्यूटी ऑफिसर मैनेजर की, जिसमें भी आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, 32,000 सैलरी है, और इसके बाद यहाँ है जूनियर ऑफिसर कस्टमर की, जिसमें आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ आपको यहाँ पर बताया गया कि 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर होनी चाहिए रिलेटिव पोस्ट से। 29,767 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है सैलरी, और जनरल के लिए 37 ईयर्स दी गई हैं, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, इसमें ST SC को 5 साल की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रैंप मैनेजर की, जिसमें भी आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ 20 साल का एक्सपीरियंस या फिर आपको कोई भी बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री हो आपके पास होनी चाहिए, 75,000 आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है आपको यहाँ पर डिप्यूटी रैंप मैनेजर की,
तो इसमें भी आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। और इसके बाद डिप्टी मैनेजर में भी आपको ग्रेजुएशन पास केवल ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 45,000 सैलरी इसमें है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की, जिसमें आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री से अपने इंजीनियरिंग में मैकेनिक या फिर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन इलेक्ट्रिशियन जो कम्यूनिटी से कर रखा है, ठीक है, या फिर अपने ITI कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 29,760 आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद यह है टर्मिनल मैनेजर कार्गो की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन के साथ 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए या फिर MBA कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 75,000 सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है डाई टर्मिनल मैनेजर कार्गो की वैकेंसी है, जिसमें आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 60,000 सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर डिप्टी मैनेजर कार्गो की वैकेंसी है, जिसमें भी आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है, 45,000 सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। और इसके बाद डिप्टी कार्गो ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें भी आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिसर कार्गो की, जिसमें आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको यहाँ पर 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है पैरामेडिकल क्यूम सर्विस की जो पोस्ट है, इसमें आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ आपको यहाँ पर डिप्लोमा नर्सिंग में आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा कर रखा है आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल से या फिर आपने ITI कर रखा है NCT 3 साल का, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 27,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट क्यूम ड्रेम ड्राइवर की वैकेंसी, जिसमें केवल यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए ट्रेड टेस्ट के लिए, 24,000 रुपये आपको यहाँ पर इसमें सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद दे सकते हैं हैंडीमैन की पोस्ट है, जिसमें भी केवल 10वीं पास है और इसमें आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, और इसके बाद सैलरी आपको 22,530 रुपये इसमें सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी एजेंट मेल कैंडिडेट की, जिसमें 10वीं पास है, 22,530 आपको सैलरी दी जाएगी। और ये आपके यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन कम्प्लीट हो चुकी है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो ये पोस्ट है आपको यहाँ पर दी गई है पोस्टों का आपको रीड आउट कर लेना है। इसकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है इंटरव्यू, ठीक है, तो सभी में इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कस होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है रैंप, यहाँ पर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट क्यूम ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ड्राइविंग की पोस्ट है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर ट्रेड संबंधी इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर भेजा जाएगा, और इसके बाद आपको पर्सनल वर्चुअल आपको यहाँ पर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हैंडीमैन यूटिलिटी एजेंट की पोस्ट है, जिसमें आपको यहाँ पर फिजिकल इंजीनियरिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर वेट लिफ्टिंग रनिंग का होने वाला है, वो आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। इसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 से जो इसका जो फॉर्म है वो आपको स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें जो भी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं, जिसकी आपको यहाँ पर जो है जो 500 रुपये का आपको यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पर बनाना होगा, जो कि फीस आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है, और जो कि आपको यहाँ पर दे सकते हैं बैंक के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट रेडी बनाकर आपको यहाँ पर ले जानी होगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर यदि EX सर्विसमैन ST SC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर डिमांड बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 500 रुपये फीस आपकी नहीं लगेगी, फ्री है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के साथ लेकर जाना है। एक तो आपको यहाँ पर देखते हैं 3 महीने से पुराना आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर कलरफुल पासपोर्ट साइज आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और इसके बाद सेल्फ अटेस्ट कॉपी आपको यहाँ पर लेकर जाना है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिंग वैलिडिटी, आपको यहाँ पर जो पासपोर्ट है वो आपको यहाँ पर पासपोर्ट भी आपको यहाँ पर फोटोकॉपी लेकर जानी होगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना है, और ध्यान रखना कि आपको सेंट्रल लेवल का ले जाना है, आपको स्टेट लेवल का आपको यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है, तो आपका सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। इसके बाद जो कि आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, 10वीं बारी ग्रेजुएशन जो भी है वो आपका सर्टिफिकेट की जो क्वालिफिकेशन
क्वेश्चन है वो आपको लेकर जाने होंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। ये आपकी जो क्वालिफिकेशन हो गई और इसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसकी जानकारी यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। अभी आपका ऑफलाइन फॉर्म है जिसे कैसे भरना है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो लंबा हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका मुंबई एयरपोर्ट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसका मैं पूरा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको वैकेंसी की अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।